कर्नाटक असेंबली इंतखाबात के दरमियान बीजेपी ने दी केरला स्टोरी पर अपनी सियासत तेज कर दी है। बीजेपी की हुकूमत वाली मध्य प्रदेश के बाद अब उत्तर प्रदेश ने फिल्म को टैक्स फ्री कर दिया है। ये ऐलान उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने किया है। रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आला योगी अपनी पूरी काबिना के साथ एक खसूसी स्क्रीनिंग में फिल्म देख रहे थे। यूपी से पहले मध्य प्रदेश में फिल्म को टैक्स फ्री बना दिया गया था। टैक्स फ्री का मतलब है कि मुतल्लिका रियासती हुकूमत फिल्म के टिकटों की फरोख पर GST का अपना हिस्सा वसूल नहीं करेगी। वज़ीर आला मोदी और उनकी पार्टी बीजेपी ने कर्नाटक में इंतखाबी मुहिम के दौरान इस फिल्म पर सख्त बयान दिए थे। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि बीजेपी इस फिल्म को किस हद तक अपने लिए फायदेमंद समझ चुकी है। इलेक्शन कर्नाटक का है और इसमें दी केरला स्टोरी का बार बार जिक्र होता है। मगरबी बंगाल में वज़ीर आला ममता बनर्जी ने रियासत में फिल्म दी केरला स्टोरी पर पाबंदी लगा दी है। पीर को वज़ीर आला ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी फिल्म दी केरला स्टोरी दिखा रही जिसकी कहानी मनगढ़ंत है। उन्होंने कहा कि चंद रोज कबल उनकी तरफ से भेजे गए अदाकार बंगाल आए थे और वो मनगढ़ंत और गलत कहानी के साथ फिल्म बंगाल फाइल्स की तैयारी कर रहे। वज़ीर आला ममता ने कहा कि ये लोग केरला और इसके लोगों को बदनाम कर रहे हैं। वो रोजाना बंगाल के गुरूर को भी नुकसान पहुंचाते हैं। इससे कम तमिलनाडु हुकूमत ने फिल्म नुमाइश पर पाबंदी लगा दी है। रियासती हुकूमत के मुताबिक इसने अमन अमान बरकरार रखने के मकसद से फैसला किया है। उनका यह भी कहना है कि इस फिल्म की वजह से लोग दूसरी फिल्में देखने नहीं आते हैं। ऐसे में थिएटर्स को माली नुकसान का सामना है, इसलिए फिल्म इतवार से तमिलनाडु के सिनेमा घरों में नहीं दिखाई जाएगी। इस पर केरला स्टोरी के बनाने वालों ने कहा कि वो तमिलनाडु थिएटर एसोसिएशन के फैसले से हैरान हैं और इसके खिलाफ अदालत जा रहे हैं।